9 साल बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को आरजेडी के घर में एंट्री मिली। राबड़ी आवाज जो है वो 9 साल के बाद गए। आज दावते इफ्तार का मौका था और इस वक्त जाप सुप्रीमो पप्पू यादव पहुंचे। तेजस्वी यादव के साथ उनकी मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को जो है हाथ जोड़ते हुए दिखे। ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव जो हालिया दिनों में कहीं ना कहीं लालू यादव और तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया था, कई बार आलोचना की थी, लेकिन अब 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, उस वक्त पप्पू यादव को आमंत्रण दिया गया और फिर पप्पू यादव वहां पहुंचे। पप्पू यादव का जाना इसलिए महत्वपूर्ण है और 2024 के लोकसभा चुनाव के नजरिए से इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि पिछले दफा भी कई बार दावते इफ्तार राबड़ी आवास में हुआ, लेकिन न पप्पू यादव को इनवाइट किया गया था और न पप्पू यादव गए थे, लेकिन इस बार पप्पू यादव को इनवाइट किया गया और वो वहां पर पहुंचे। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे जो पप्पू यादव है उन्होंने राबड़ी देवी से मुलाकात की, बाकायदा तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात की, और हालिया दिनों में जो है ये देखा जा रहा था कि पप्पू यादव कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लेकर हमलावर थे। लेकिन क्या अब पप्पू यादव के सुर बदल जाएंगे? क्या अब वो तेजस्वी यादव या आरजेडी पर हमलावर न होकर सिर्फ बीजेपी को अपने निशाने पर लेंगे? बता दें कि जब राबड़ी आवास पप्पू यादव पहुंचे तो साफ तौर पर कहा कि हमें नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़नी है जो धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं, यानी साफ तौर पर निशाने पर बीजेपी थी। तो क्या जब तेजस्वी यादव चौतरफा घिर रहे हैं, जब एक तरफ एम समीकरण उनसे छिटक रहा है, ऐसे में क्या ये कोशिश है आरजेडी की कि पप्पू यादव को साथ में लाया जाए ताकि जो एक तरह से यादव समीकरण है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए, क्योंकि पप्पू यादव कहीं ना कहीं अलग अलग जगहों पर चुनाव लड़कर आरजेडी को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो क्या एक तरह से एक नया सियासी समीकरण की तरफ इशारा है? और ये चर्चा इसलिए होती है क्योंकि पप्पू यादव पिछले दफा नहीं पहुंचे। लगभग 9 साल के बाद पप्पू यादव को जो है एंट्री मिली राबड़ी आवास में। एक वक्त था जब पप्पू यादव को बकायदा लालू यादव का राइट हैंड कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि बकायदा वो लालू यादव के बाद पार्टी में उनका कद बढ़ गया था, लेकिन पप्पू यादव की महत्वाकांक्षा जाग गई थी। वो खुद को लालू यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर देखते थे और यही वजह थी कि उनकी खटपट हुई और फिर अलग होकर के बकायदा पार्टी की पार्टी जो है वो बना ली। लेकिन क्या एक बार फिर से दोनों भाई एक हो जाएंगे, तेजस्वी यादव और पप्पू यादव? राबड़ी देवी ने क्या दोनों भाइयों को एक करने की कोशिश की है? और इसके पीछे राजनीति इसलिए होनी चाहिए, और ये बात जो है भले ही इफ्तार पार्टी रही हो, और कोई कहता है कि इफ्तार पार्टी जो है वो अनौपचारिक होता है, वहाँ पे हर कोई जा सकता है, लेकिन जैसे नीतीश कुमार का की पार्टी में चिराग का ना जाना और तेजस्वी के इफ्तार में आना, कहीं ना कहीं ये सियासी समीकरण को बयां तो कर रहा है। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी हो तो फेसबुक पर लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।